इन दिनों चोरी का नया ट्रेंड सामने आया है। चोर शादी में सूट बूट पहनकर घुसते हैं और कन्यादान के रुपए चुरा कर फरार हो जाते हैं। चोर ऐसा जताते हैं कि वे लड़की पक्ष को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये चोर कन्यादान लिखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हैं। कन्यादान लिखने में मदद करने का झांसा देकर सारी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। टाइम एट राजस्थान के लिए भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। इन दिनों चोरी का नया ट्रेंड सामने आया है। चोर शादी में सूट बूट पहनकर घुसते हैं और कन्यादान के रुपए चुरा कर फरार हो जाते हैं। चोर ऐसा जताते हैं कि वे लड़की पक्ष को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये चोर कन्यादान लिखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हैं। कन्यादान लिखने में मदद करने का झांसा देकर सारी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। टाइम एट राजस्थान के लिए भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। इन दिनों चोरी का नया ट्रेंड सामने आया है। चोर शादी में सूट बूट पहनकर घुसते हैं और कन्यादान के रुपए चुरा कर फरार हो जाते हैं। चोर ऐसा जताते हैं कि वे लड़की पक्ष को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये चोर कन्यादान लिखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हैं। कन्यादान लिखने में मदद करने का झांसा देकर सारी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। टाइम एट राजस्थान के लिए भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। इन दिनों चोरी का नया ट्रेंड सामने आया है। चोर शादी में सूट बूट पहनकर घुसते हैं और कन्यादान के रुपए चुरा कर फरार हो जाते हैं। चोर ऐसा जताते हैं कि वे लड़की पक्ष को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ये चोर कन्यादान लिखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हैं। कन्यादान लिखने में मदद करने का झांसा देकर सारी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। टाइम एट राजस्थान के लिए भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।